हेलो गाइस, मैं सौरभ कुमार आज एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आए हूं। तो आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना में शामिल हुए राफेल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। डिसॉल्ट एविएशन कंपनी द्वारा बनाए गए 5 राफेल जेट विमान भारत में 29 जुलाई को अम्बाला एयरबेस पर पहुँच गए हैं, जहाँ पर उन्हें भारतीय वायुसेना में भर्ती किया गया है। इस लेख में हम आपको बता रहे हैं कि क्यों राफेल विमान भारतीय वायुसेना को जरूरी है। देश की बूढ़ी होती वायुसेना की ताकत को नई ऊर्जा देने के लिए भारत सरकार ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की पहल 2012 में ही शुरू की थी। अतः 29 जुलाई 2020 को इस डील के 5 लड़ाकू जेट भारत को मिल गए हैं। तब है कि भारत ने अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए वर्ष 2007 में मल्टी रोल के नए लड़ाकू विमानों के लिए टेंडर जारी किए थे, जिसमें अमेरिका के F-16, AF-8, रूस ने MiG-35 और स्वीडन के ग्रिपिन और फ्रांस के राफेल और यूरोपियन समूह के यूरोफाइटर टाइफून की दावेदारी पेश की थी। 27 अप्रैल 2011 को आखिरी दौर में यूरोफाइटर और राफेल ही भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल पाए गए थे और अतः 31 जनवरी 2012 को सस्ती बोलीवर फील्ड ट्रायल के दौरान भारतीय परिस्थितियों और मानकों पर सबसे खरा उतरने के कारण यह टेंडर राफेल को दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने 126 राफेल जेट खरीदने के लिए 12 अरब डॉलर की डील की थी, जिसमें एक जेट की कीमत 629 करोड़ थी। वर्तमान में बीजेपी सरकार ने एक जेट विमान को खरीदने के लिए 1611 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। जैसा कि सभी को पता है कि भारत हमेशा से ही लड़ाकू विमानों की खरीद रूस से करता आ रहा है। आज भी भारत की वायुसेना में रूस से बने MiG-21, MiG-27, Sukhoi-30 जैसे विमान शामिल हैं। ज्ञातव्य है कि भारतीय वायुसेना की ताकत केवल, लेकिन भारत को दो मोर्चों पर युद्ध करने के लिए 2027 से 2032 तक की अवधि तक कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत होगी। ध्यान में रहे कि एक स्क्वाड्रन में 12 से 24 तक विमान होते हैं। भारत को अब 5वीं पीढ़ी के विमानों की जरूरत पड़ रही है कि दुनिया के लगभग सभी देशों के पास उन्नत किस्म के लड़ाकू विमान हैं। यहां तक कि पाकिस्तान ने भी चीन से एडवांस पीढ़ी के विमान JF-17 और अमेरिका से F-16 विमान खरीद लिए हैं। ऐसे में भारत ने अपनी पुरानी तकनीकों से विमानों की ज़्यादा निर्भर नहीं रह सकता। की बात है कि भारत ने 1996 में Sukhoi-30 के तौर पर आखिरी बार कोई लड़ाकू विमान नहीं खरीदा था, इसलिए भारत को नई पीढ़ी के विमानों को वायुसेना में जल्द ही शामिल करना होगा। यही कारण है कि भारत को राफेल जैसे आधुनिक फाइटर विमान की सख्त ज़रूरत है। राफेल की विशेषताएं, राफेल लड़ाकू विमान एक मल्टी रोल फाइटर विमान है, फ्रांस के डिसॉल्ट एविएशन नाम की कंपनी बनाती है। राफेल ए श्रेणी में पहले विमान ने 4 जुलाई 1996 में उड़ान भरी थी, जबकि राफेल सी की श्रेणी में पहले विमान ने 19 मई 1991 में उड़ान भरी थी। वर्ष 1996 से 2019 तक इस विमान ने 201 यूनिट बन चुकी है। राफेल अब ए बी सी और एम श्रेणियों की सीट में डबल सीट और डबल इंजन में उपलब्ध है। राफेल हवा से हवा के साथ हवा में जमीन पर हमले के परमाणु हमला करने में सक्षम है, साथ ही बेहद कम ऊंचाई पर उड़ भी सकता है और हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है। इतना ही नहीं, यह विमान ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम भी लगा है और लिक्विड ऑक्सीजन भरने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। यह विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैकिंग कर रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। इसके अलावा यह हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे को समय रहते ही भांप सकता है और नज़दीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नज़र रख सकता है। साथ ही यह जमीनी सैन्य ठिकानों के अलावा विमानवासक पोत से भी उड़ान भरने में सक्षम है। अब मैं राफेल के बारे में 10 रोचक तथ्य आपको बताने वाला हूँ। यह 36,000 फीट से लेकर 50,000 फीट तक उड़ान भरने में सक्षम है। इतना ही नहीं, यह एक मिनट में 50,000 फीट तक पहुँच जाता है। 37,000 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकता है। इसकी रफ्तार 2,222 किलोमीटर प्रति घंटा है।
यह 1312 फीट में बेहद ही छोटे रनवे से उड़ान भरने में सक्षम है। यह 15,590 गैलन ईंधन ले जाने में सक्षम है। राफेल हवा से हवा में मिसाइल ले जाने में सक्षम है। राफेल एक बार में 2000 समुद्री मील तक उड़ सकता है। राफेल अमेरिका के F-16 की तुलना में 0.62 फीट ज़्यादा ऊंचा उड़ सकता है। राफेल अमेरिका के F-16 की तुलना में 0.69 फीट ज़्यादा लंबा है और इसकी विंगों की लंबाई 10.90 मीटर है। जेट की ऊंचाई 5.30 मीटर और इसकी लंबाई 15.30 मीटर है। सभी रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि अब जंग उसी देश के द्वारा जीती जाएगी जिसके वायुसेना में ताकत होगी। थल सेना के द्वारा जंग जीतने में काफ़ी दिन लग जाते हैं। दिए गए आंकड़े यह सिद्ध करते हैं कि राफेल बहुत ही जबरदस्त लड़ाकू विमान है और अगर भारत को दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन रखना है तो उसे विमान जल्दी ही जल्दी अपनी वायुसेना में शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।